प्रथम तहलका न्यूज। हिसार में भारतीय सेना के अधीन कार्यरत अश्व प्रजनन स्टड में वन विभाग की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज खोलने के लिए निर्देश आ गए तो सरकार की तैयारियां पूरी है और एक सप्ताह में ही स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने माना कि राज्य का ऑनलाइन शिक्षा में काफी अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लासेस का मुकाबला नहीं है, इसीलिए सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। सरकार को सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। उन्होंने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, वैसे तो हम ऑनलाइन जो हमारा प्रयास चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है और जो पूरे हिंदुस्तान का जिस प्रकार से सर्वे किया गया उसमें हरियाणा का स्थान बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे ऑनलाइन कितना अच्छा हो उसके बावजूद भी स्कूल की जो डायरेक्ट जो एजुकेशन है उसका कोई इसका मुकाबला नहीं है। हमारा विचार है स्कूल खोलने का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक गाइडलाइन नहीं मिलती ऊपर से हमें, क्योंकि हमने तो अपने मन में सोच लिया कि किस प्रकार से हम सोशल डिस्टेंसिंग बना सकते हैं, किस प्रकार से उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों को ज़्यादा जानकारी है इसकी, तो जब तक वो विशेषज्ञ हमें नहीं कहते, केंद्र सरकार हमें नहीं कहती, तब तक हम स्कूल नहीं खोल सकते। जैसे ही उनका परमिशन मिलेगी, एजेंडी मिलेगी। देखिए, जहाँ तक सरकारी स्कूल है वहाँ तो कोई बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा प्लस टू का स्कूल है उसको तीन चार गांव के बीच में एक स्कूल है, और जो हमारा आठवीं तक का स्कूल है वो लगभग हर गांव का स्कूल है, लगभग एक ही गांव में एक स्कूल है। और जैसा हमने विचार किया कि हम दो उसमें पढ़ाना चाहते हैं, सुबह एक क्लास मान लो 30 मिनट की लगाई, शाम को 31 मिनट की लगाई, 45 की 30 कर दिया, तो उसमें कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको बच्चे आ जा सकते हैं। और दूसरा विचार ये है कि 50% बच्चे ही बुलाएं, मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं तो 15 को एक टाइम। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले से ही पैक रखी। निजी स्कूलों में कुछ थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि उनके पास बाहर से दूर से बच्चे हैं और उनके पास ट्रांसपोर्ट है, उसमें ले के आते हैं बच्चों को, वो उनके लिए थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन उसका समाधान देखें नहीं, अभी कोई निश्चित डेट नहीं मैं आपको बता सकता। अगर मान लीजिए कल भी केंद्र सरकार में इजाज़त देती है इसकी कि आप स्कूल खोल सकते हैं अपने उस पर, सप्ताह के अंदर अंदर ही हम बड़ी क्लास की शुरू। वहीं शिक्षा, वन और पर्यटन मंत्री ने स्कूलों में फीस के मुद्दे पर कहा कि वह अभिभावकों के साथ है और सरकार पहले ही स्कूलों को कह चुकी है कि वो केवल बच्चों से ट्यूशन फीस लें। सरकार के आदेश के बाद निजी स्कूल संचालक कोर्ट में चले गए और सरकार ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली हुई है। मंत्री ने कॉलेजों की परीक्षा के संबंध में भी कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाई जाएगी। कि उसमें मेरा तो पहले भी विचार, माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार ही था, हमारा विचार भी यही था, लेकिन ऊपर से एक गाइडलाइन आई कि उन्होंने कहा कि ऐसी औसत नंबर देके पास करेंगे। अभी कोर्ट का निर्णय आया कि नहीं नहीं टेस्ट होना चाहिए, फाइनल की परीक्षा वो होनी चाहिए, मेरा अपना मानना भी है होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था करेंगे जो भी जरूरत होगी। हाई एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू है। देखिए, हमने तो पहले ये कहा था कि भाई ट्यूशन फीस ही लेंगे जी, लेकिन उसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूल जो थे वो कोर्ट में चले गए। अब निर्णय ये कोर्ट का है, हमारा नहीं, कोर्ट का निर्णय है, और कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट हमने रिव्यू पिटीशन डाल दी। कोर्ट में दोबारा हमने अभिभावक की तरफ से हमने रिव्यू पिटीशन डाली, क्योंकि कोरोना काल में अभिभावक की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उसको थोड़ी राहत दी जाए। फिलहाल देखना होगा कि इस कोरोना काल में केंद्र सरकार कब तक स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लेती है और स्कूल कॉलेज खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की जाती है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।